नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दास पानीपुरी आप सभी का अशोका ट्यूटोरियल दुर्ग में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था 1909 ईस्वी का मार्लेमेंटो सुधार और 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड सुधार। तो आज हम आगे बात करेंगे 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, संविधान का अगर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो वर्तमान संविधान है उस पर भी सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम का देखा जाता है। और उस समय भी भारत शासन अधिनियम 1935 ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम लोग 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इसको लाने का कारण क्या क्या था। ठीक है, जैसे कोई भी चीज होता है दुनिया में, कोई काम, तो उसके पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अंग्रेजों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उनको 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लाने की आवश्यकता पड़ी या बनाने की जरूरत पड़ी। तो इसमें पहला कारण था, एक नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। नेहरू दरअसल ये एक समिति बनाई गई थी, 8 सदस्यीय समिति था। ठीक है, इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे। इसमें इस समिति का काम था भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनी थी। इसका काम था भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, लेकिन ये समिति भी लगभग मतलब अपना काम तो की लेकिन असफल रही। तो आगे एक और फिर साइमन आयोग आया 1927 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो जॉन साइमन थे उनके नेतृत्व में एक समिति बनी, 7 सदस्यीय समिति, जिसको साइमन आयोग कहा गया। तो साइमन आयोग के बारे में हम सब जानते हैं कि साइमन गो बैक का नारा लगा था। इसका कारण क्या था कि जो साइमन आयोग में जो भी सदस्य थे वो सभी क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, 7 सदस्यीय समिति था साइमन आयोग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन साइमन के नेतृत्व में बना था। 7 सदस्यीय समिति थी लेकिन इसमें सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। और साइमन आयोग को श्वेत आयोग भी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज गोरे होते थे और सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। इस वजह से इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया या श्वेत आयोग भी कहा गया। तो साइमन आयोग भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया और साइमन आयोग का कांग्रेस के द्वारा बहुत तेज विरोध किया गया और इसी साइमन आयोग में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, इसके बाद एक और प्रावधान हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के दोनों के बीच मध्य यह समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। यह हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौते से भी भारतीय संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हुआ क्या था, क्योंकि जो गांधी इरविन समझौता था उसमें महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जी जैसे युवा क्रांतिकारियों को बचाने में असफल हो गए थे। तो कांग्रेस और साथ ही साथ जो युवा क्रांतिकारी थे इससे असंतुष्ट थे। तो और कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, साथ ही साथ भारत के अन्य क्रांतिकारियों ने भी गांधी इरविन समझौते का विरोध किया। इसी बीच गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। गोलमेज सम्मेलन दरअसल लंदन में आयोजित किया गया था लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में। तो गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। तो इस तरह से असंतुष्टियों भारतीयों की क्या होती गई, बढ़ती गई। इसी बीच असहयोग आंदोलन चला दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन में भारतीयों को कांग्रेस के सभी कार्यों का क्या करना था, विरोध करना था। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं अंग्रेजों के लिए उस काम को उस दिन नहीं करना था। ठीक है, कुछ समय के लिए। तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन से भी भारतीयों की असंतुष्टि व्यक्त होती गई। फिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कांग्रेस के असंतोष ने। तो कांग्रेस तो जाहिर सी बात है अपना स्वराज्य चाहती ही थी और साथ ही साथ जो अंग्रेज जो संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे भारतीयों को या कांग्रेस जैसे नेशनल पार्टी को, तो वो संतुष्ट नहीं कर पाए। तो ये एक और कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा एक और चाल थी कि हाँ, हम शायद इससे भारतीयों को क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। तो इन सब जितने भी प्रावधान हुए उससे भारत का प्रशासन अंग्रेजों के लिए आसान नहीं रहा। ठीक है, तो अब उसको और आसान करने के लिए कि भारतीयों को कैसे हम अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं, कैसे भारत पर ज्यादा समय तक राज कर सकते हैं या ज्यादा समय तक भारत को अपना उपनिवेश बना के रख सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों द्वारा एक प्रावधान लाया गया 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो हुआ क्या था, जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लाया गया था इसमें 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे।
और 10 अनुसूचियां थी। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से ही समझ लो संविधान का मेन आधार तैयार हो गया था। ठीक है, 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अब देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या क्या थी, मतलब इसमें क्या क्या खास प्रावधान किए गए थे भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए या फिर भारतीयों को अच्छा लगे इसको ध्यान में रखकर। ठीक है, तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा। जब भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी लाया गया था तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, जिसमें अखिल भारतीय संघ का निर्माण कैसे होना था तो उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होते, ठीक है, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र होते और देसी रियासत ऐसे थे। ये सब तो 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर कंपलसरी था कि इनको अखिल भारतीय संघ में शामिल होना ही था। साथ ही साथ जो देसी रियासत थे उनके ऊपर स्वेच्छा से मतलब छोड़ दिया गया कि आप चाहो तो अखिल भारतीय संघ में शामिल भी हो सकते हो और शामिल नहीं हो सकते, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हो। तो लेकिन ये अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया क्योंकि देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना का अंग्रेजों का जो सपना था अधूरा रह गया, ये पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन प्रांतों में जो लाया गया था 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, मॉन्टेग्यू जो फोर्ट सुधार के द्वारा उसको प्रांतों में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, मतलब उनके विधायिका या कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को क्या किया गया, स्वतंत्रता दी गई कि आप अपना कार्य स्वतंत्र होकर कीजिए। ठीक है, उनको ऑटोनॉमस दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई कि अब आप स्वतंत्रता पूर्वक काम कीजिए, हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, फिर अब प्रांतों से द्वैत शासन को कहां ला दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब कार्यपालिका विधायिका तो ये शक्तियों को क्या किया गया, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। साथ ही साथ केंद्र में क्या किया गया, शक्ति का विभाजन किया गया, मतलब जो संविधान में विषय थे कानून बनाने के संबंध में या नियम बनाने के संबंध में भी प्रशासन करने के संबंध में उस शक्तियों को क्या किया गया, विभाजित किया गया, बांट दिया गया, कितना प्रांत करेंगे कितना केंद्र करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह से शक्ति का क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो उस समय शक्तियों की 3 सूचियां बनी, संघ सूची, ठीक है, प्रांतीय या राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, संघ सूची में 1935 ईस्वी भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा जो संघ सूची बनाया गया था उसमें कितने विषय थे करके पूछा जाता है तो 59 विषय। ठीक है, इसमें क्या क्या थे 59 विषय के अंतर्गत, जैसे विदेशी कार्य हो गया, मतलब किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है, क्या व्यापार करना है, क्या लेन देन करना है, ठीक है, ये सब। फिर मुद्रा, मतलब किस मुद्रा को चलन में रखना है, किसे बंद करना है, क्या नई मुद्रा लानी है, किस तरह का मुद्रा छापना है, ये सब संघ सूची के अंतर्गत थे। सेना, ठीक है, सेना मतलब जैसे जल सेना, थल सेना, स्थल सेना, इस टाइप से क्या क्या प्रावधान करना है, ये सब किसमें था, संघ सूची के अंतर्गत था। ठीक है, ये सब प्रावधान किए गए थे और कुछ कुछ प्रावधान थे तो 59 में सर नहीं पढ़ना है, क्या क्या थे तो विदेशी कार्य, मुद्रा, सेना आदि थे इस तरह से। ठीक है, फिर प्रांतीय या राज्य सूची के विषय, मतलब जिन पर कानून कौन बनाया गया, प्रशासन कौन करेगा, कोई राज्य या प्रांत। ठीक है, अभी भी हम लोग देखते हैं ये प्रावधान है 7वीं अनुसूची में, इसका व्यवस्था अभी भी है हमारे भारतीय संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है, तो प्रांतीय या राज्य सूची का जो विषय था उसमें 54 विषय थे। ठीक है, कितने, 54 विषय। इसके अंतर्गत थे पुलिस या प्रांतीय लोक सेवा, मतलब किसी राज्य का स्टेट लेवल लोक सेवा, स्टेट पीसीएस सुनते हैं हम लोग। ठीक है, तो पुलिस मतलब किसी प्रांत के संबंध में पुलिस या प्रांतीय लोक सेवा या शिक्षा जैसे प्रावधान थे, किसमें, प्रांतीय या राज्य सूची में। फिर एक प्रावधान था समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कुल 36 विषय, 36 सब्जेक्ट थे समवर्ती सूची कॉन्ग्रेंट लिस्ट में। ठीक है, कितने, 36 विषय थे, जैसे विवाह, तलाक या विवाह विच्छेद। ठीक है, मतलब विवाह करोगे तो उसका सर्टिफिकेट किस टाइप से मिलेगा, उसका ऐसा विवाह मान्य होगा, ये सब प्रावधान किया गया था। और तलाक, मतलब किस तरह के तलाक मंजूर किए जाएंगे, ये सब प्रावधान, तलाक होने के बाद किसको क्या सुविधा देना है, ये सब प्रावधान किसके अंतर्गत थे,
समवर्ती सूची, मतलब दोनों कानून बना सकते थे, केंद्र और राज्य, ठीक है, मतलब प्रांत और केंद्र कानून बना सकते थे समवर्ती सूची में। इसके अलावा कुछ अवशिष्ट विषय आ जाते थे, मतलब समाज में अगर कोई नया मुद्दा आ गया या नया कुछ वाद आ गया, उस संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो थी वायसराय के पास थी, ठीक है। तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, तो वायसराय के पास। उसके बाद एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, मतलब पूरे देश को एक मानकर एक न्यायालय बनाया गया, ठीक है, संघीय न्यायालय। और संघीय न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था, मतलब वो कितने क्षेत्र तक न्याय कर सकता था, तो वो प्रांतीय और रियासतों तक भी उसका क्षेत्राधिकार का क्या था, विस्तार था। मतलब किसी भी न्याय के संबंध में जो प्रावधान था, ये प्रांतों तक भी जा सकता था, और साथ ही साथ जो रियासतें थी उनके मामले में भी न्याय करने का अधिकार किसको मिल गया, संघीय न्यायालय के द्वारा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना। फिर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, मतलब अगर 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में कुछ भी कमियां हैं, कुछ भी सुधार करनी है, तो ये अंतिम अधिकार किसके पास था, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अगर इसमें कुछ कमियां हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, कुछ बदलाव करना है, ठीक है, या नया प्रावधान लाना है, तो ये अंतिम अधिकार किसके पास था, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो देखो अभी ब्रिटिश का सर्वोच्चता बना हुआ है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी, ठीक है। फिर भारत परिषद का अंत कर दिया गया, दोस्तों भारत परिषद अधिनियम कब आया था, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक भारत परिषद बनाया गया था, जो कितने सदस्य थे इसमें, 15 सदस्य। तो ये भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा बना था, तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया था, या भारत परिषद सृजन किया गया था। उसको कब समाप्त किया गया, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, भारत परिषद का अंत कर दिया गया 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के द्वारा। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, मतलब पहले सांप्रदायिक निर्वाचन किसका होता था, सांप्रदायिक निर्वाचन में होता यह था कि जिस समुदाय का प्रतिनिधि होता था उसी समुदाय के लोग बस मतदान करते थे। मतलब जैसे अगर कोई मुसलमान चुनाव लड़ेगा तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही मतदान करेंगे, बाकियों को मतदान का भी अधिकार नहीं था। अब ऐसा नहीं होता, बदलाव आ गया है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, ठीक है। मतलब अभी तक किसको किसको मिल रहा था, एक तो मुस्लिमों को, ठीक है, सिखों को और जो क्रिश्चियन थे उनको, ठीक है, ईसाइयों को मिल रहा था, उसका विस्तार किया गया। अब किसको किसको, अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट को मिलने लग गया, महिलाओं को, वुमेन को भी मिलने लग गया, ठीक है, लेबर यानी कि मजदूरों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। मतलब अब अनुसूचित जाति का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो मतदान भी कौन करेंगे, अनुसूचित जाति के लोग, बाकी समुदाय वाले मतदान नहीं करेंगे। उसी प्रकार महिला चुनाव लड़ेगी तो सिर्फ महिलाएं मतदान करेंगी, कोई और नहीं, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई मजदूर वर्ग का व्यक्ति खड़ा होता है चुनाव में प्रतिनिधि बनके, तो मतदान कौन करेगा, सिर्फ मजदूर वर्ग, और कोई नहीं। उसके बाद बर्मा को भारत से अलग किया गया, मतलब बर्मा वर्तमान का जो म्यांमार है वो किसका हिस्सा था, भारत का। इसको 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। फिर देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए क्या किया गया, 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। किस पर नियंत्रण के लिए, तो मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, तो भारत के साख और मुद्रा पर नियंत्रण के लिए क्या बनाया गया, एक रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक बनाया गया, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और जो मताधिकार का अधिकार था उसको क्या किया गया, विस्तारित किया गया, मतलब मताधिकार का विस्तार किया गया। पहले थोड़ा कम परसेंटेज को देते थे, अब उसका विस्तार 10% तक कर दिया गया। तो इस तरह से 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में मताधिकार का विस्तार किया गया। लेकिन हुआ ये कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का अधिनियम था, इसको क्या किया गया, कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक कहकर इसकी निंदा की थी। 1935 ईस्वी के भारत शासन
अधिनियम को क्या किया था, कांग्रेस ने निराशाजनक कहकर इसकी निंदा की थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था, उनका वक्तव्य था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित क्या है, एक गाड़ी, ठीक है। तो इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा किसने दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मतलब इंजन नहीं है तो चल ही नहीं पाएगा, इसमें सिर्फ क्या था, ब्रेक ही ब्रेक था, मतलब इसके सारे प्रावधान को भारतीयों ने या कांग्रेस के मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उनको सिर्फ एक ही मांग थी कि अब भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, भारत का खुद का स्वशासन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रावधान किया गया था 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बने रहिएगा वीडियो में, बस थोड़ा समय लेता हूँ मैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। भारत शासन अधिनियम 1935, तो जो इसके बाद जो आया था उसको कहते हैं 1947 ईस्वी का भारत शासन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो अब भारत को आजाद किया जा रहा है, ठीक है। इसको कब पेश किया गया था, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 4 जुलाई 1947 ईस्वी को कहां पेश किया गया, ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, ठीक है। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इस अधिनियम को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है अब भारत को हम क्या कर देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे करके। अब देखते हैं इसमें प्रावधान क्या क्या था, तो इसमें पहला प्रावधान था 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान क्या क्या था, तो पहला एक दो अधिराज्यों की स्थापना की बात की गई थी, दो अधिराज्यों, दो अधिराज्यों की स्थापना की बात की गई थी, मतलब क्या होगा, भारत आजाद होगा तो भारत और पाकिस्तान नामक क्या बन जाएगा, दो देश बन जाएगा, मतलब देश का विभाजन भी होगा आजादी के साथ साथ, ये बताया गया और कहा गया कि इनको क्या किया जाएगा, आजादी दे जाएगी और भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी जाएगी कि अब आगे का प्रशासन आप लोग अपने हिसाब से करो, और इन दोनों भारत और पाकिस्तान में क्या करेगा, जब तक मतलब इन लोग संविधान नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाया है, तब तक क्या किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वो संविधान सभा क्या करेगी कि आगे भारत और पाकिस्तान अपना अपना प्रशासन किस प्रकार से करना चाहते हैं, इसके लिए उनको नियम और कानून बनाने का स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने यहाँ एक संविधान सभा बना लीजिएगा और क्या कीजिएगा, फिर उसके हिसाब से प्रशासन करिएगा करके ब्रिटिश संसद ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो दो अधिराज्य बन गए भारत और पाकिस्तान, मतलब आजादी के साथ साथ क्या हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों अधिराज्यों में क्या करना था, एक गवर्नर जनरल नियुक्त करना था, एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान था 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। जब भारत और पाकिस्तान को जब आजादी दी गई तो ये कहा गया कि आप दोनों क्या करोगे, एक एक गवर्नर जनरल रखोगे अपने यहाँ, लेकिन ये गवर्नर जनरल क्या था, मतलब उसके मंत्री परिषद, मतलब जैसे भारत एक गवर्नर जनरल रखता तो भारत का मंत्री परिषद सलाह देता कि इस व्यक्ति को हम अपना गवर्नर जनरल नियुक्त करना चाहते हैं, ठीक है। और उनको नियुक्ति कौन देता, ब्रिटिश सरकार। पाकिस्तान को भी
वहां की मंत्रिमंडल भी अपने यहाँ क्या करती है, गवर्नर जनरल नियुक्त करने का प्रस्ताव लाती थी, उसका मंत्रिपरिषद उसको स्वीकृति देता, फिर जिस भी व्यक्ति को पसंद करते उसको क्या किया जाता, गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा, ये कहा गया। फिर संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में काम करना, जो संविधान सभा बनी थी उसका क्या था, संविधान सभा, ये विधान मंडल के रूप में काम करेगी। तो जो संविधान सभा बनना था, ठीक है, संविधान सभा में क्या था, संविधान सभा क्या करती, एक विधान मंडल का काम करती, मतलब भारत के लिए कानून बनाने, विधान मंडल का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, यानी कि एक प्रकार से विधायिका। तो संविधान सभा जब तक भारत का संविधान निर्मित नहीं हुआ है तब तक क्या करती, वो एक विधायिका या विधान मंडल के रूप में काम करती, मतलब इसका काम क्या था, भारत के प्रशासन के लिए कानून या ठीक है संविधान का निर्माण करना। तो संविधान सभा क्या करती है, विधान मंडल के रूप में काम करेगी, ऐसा किसमें कहा गया, 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। फिर भारत मंत्री पद का अंत कर दिया गया, भारत मंत्री पद इसको समाप्त कर दिया गया। तो जो भारत मंत्री पद कब आया था, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी, जो कहाँ रहता था, इंग्लैंड में। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत उपनिवेश ही नहीं रहेगा, तो एक्स्ट्रा मंत्री रखते उन लोग क्या करते। इसलिए 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया कि हम भारत के भारत मंत्री पद को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ये उन लोगों ने प्रावधान किया। फिर था 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन। तो इस 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह बताया गया कि जब तक भारत का संविधान सभा क्या करती है, भारत के लिए नए संविधान का निर्माण नहीं कर देती है, तब तक क्या किया जाएगा, जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था उसी के माध्यम से क्या किया जाएगा, भारत का प्रशासन तब तक चलता रहेगा, मतलब जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक किस हिसाब से भारत का शासन होगा, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन चलता रहेगा, ये कहा गया, ठीक है। फिर देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत, ठीक है, देशी रियासतों पर या देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई। तो जो देशी रियासत थे उनको क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया कि अब आप क्या करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक अपने यहाँ शासन कर सकते हैं, आप चाहे देशी रियासत चाहे तो भारत में मिल सकता था या पाकिस्तान में, उनको स्वतंत्रता दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि आप चाहे तो भारत में भी मिल जाए, पाकिस्तान में भी मिल जाए, ठीक है, आप अपनी इच्छा से, या फिर आप चाहे तो स्वतंत्रता पूर्वक अपना अस्तित्व बनाकर रख सकते हैं, ये कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के द्वारा, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा जो भारत डोमिनियन बना था उसको क्या क्या सिंध, ठीक है, भारत डोमिनियन को क्या क्या नहीं मिला उसको बता रहा हूं मैं, सिंध मिला, ठीक, सिंध नहीं मिला, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, ठीक है, और असम का सिलहट जिला, ये सब को छोड़कर भारत को बाकी शेष क्षेत्र मिल गया, मतलब उस समय जो प्रशासन होता था, ठीक है, असम का सिलहट जिला, सिंध प्रांत, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी पंजाब, ठीक है, पूर्वी बंगाल, ये सब क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब क्षेत्र किसको मिल गया, भारत को, बाकी क्षेत्र किसको मिल गए, पाकिस्तान को। एक और ध्यान देना कि जब भारत विभाजन के समय मतदान करवाया गया था 1947 में, तो जो असम का सिलहट जिला था उसने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान कर दिया था कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं करके, ठीक है। तो ये सब प्रावधान थे। अब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पूरा कर चुके, मतलब अब भारत क्या हो गया, आजाद हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
संविधान सभा का गठन कैसे होता है, ठीक है, और संविधान सभा क्या क्या काम करती है, ये सब प्रावधान देखेंगे हम लोग। तो यूं ही वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और संविधान के हर प्रावधान से, हर पहलू से आपको अवगत कराते रहेंगे। मेरा वादा है हम जल्दी से जल्दी, बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से आपको संविधान के हर पहलुओं से अवगत करा देंगे।